ते जिहड़े अदाकार या कलाकार इस संघर्ष के खिलाफ है उन्हां नाल मैं बहस करन नूं तैयार है। सरकारी इतिहास होने इन्हों का मैं पता नहीं, पर जो सच्चा इतिहास होंगे तो टकैत साहब का नाम सुनहरी अखर च लिखा जाऊगा। बना दिया और ये हमारी पहली जीत है। तो दोस्तों मित्रों भाइयों वीरों ते भैनों जिहड़ा चिरा तो आपां वंडिया गया सी मजबा जातां ते वर्गां च इस अंदोलन ने सानू दोबारा शायद आजादी तो बाद पहली बारी इस तरह का साडा जिहड़ा प्यार ते गलवकड़ी पई है। जिहड़े शासक लोग है इन्हां दा असल च किता ही है, इन्हां दा तौर ही यह हुंदा है वंड के चलना। पर साडा एक धर्म किसानी भी है, सो अज सारे भारत के किसान कट्ठे हो गए। जिहड़ा डुप्लीकेट मीडिया अक्सर गल्लां करदा है कि देश की अखंडता को खतरा खड़ा हो गया, अरे खंड तो भाई खिलनी पड़ी थी हम सब एक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को दाद देनी चाहिए कि किसानों ने पूरे भारत को एक ही लड़ी में पिरो दिया। जिंदा मजदूर कितने हैं? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी किसी ना कोई शिकवा नहीं, जिहड़ा साडे हक च है उहदा भी स्वागत है, जिहड़ा साडे खिलाफ है उहदा भी स्वागत है। पर उहनां नूं बेनती है खास करके बॉलीवुड वालिआं नूं कि किसान आगू सरकार नाल बहस कर लई हर वेले तैयार है अपने मुद्दे रखण लई, ते जिहड़े अदाकार या कलाकार इस संघर्ष के खिलाफ है उहनां नाल मैं बहस करन नूं तैयार है। जिथे मर्जी जिहड़े मर्जी चैनल ते मेरे नाल बैठ के बहस कर सकदे आ। अरे बचपन में हम लोगों ने फिल्में देखते थे आप सब लोग भी है। और एक हीरो आता था बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाता था ऐसे कि हमारी जमीन की तरफ देखोगे तो आंख निकाल देंगे। आज जब हम टाइम आया खड़न दा और बकरियां बन के कमरे दे दसो है हुण तां लोड़ सी हीरो बन दी ते हुण तुसीं जीरो हो गए। सो तुहानूं सानूं तुहाडे नाल भी कोई शिकवा नहीं, पर हाँ इहदा नुकसान तुहानूं जदों तुहाडीआं फिल्मां रिलीज़ होणगीआं ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋ ਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਗਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ अपनी जित है, जदों असीं भड़कांगे उदों असीं हारांगे। और सरकारी तौर यही हुंदा है कि सानूं भड़काउण दी कोशिश करनगे। और मैनूं लगदा है कि इस मोर्चे ते टकैत साहब ने बाखूबी इस जिम्मेदारी नूं शायद आ जिहड़े सरकारी इतिहास होंदे इन्हां दा तां मैनूं पता नहीं, पर जिहड़ा सच्चा इतिहास हुंदा है तां टकैत साहब दा नाम सुनहरी अखरां च लिखिआ जाऊगा। जिदा बजुर्गों ने इस स्टेट लई जिंदगी लाती तो मैं उम्मीद करता है कि टकैत साहब हर मोड़ ते डट के खड़नगे। तो मैनूं लगता नहीं कि इस स्टेट च कदे किसी सरदार वीर की पग लथूगी या किसी हिंदू वीर नाल धक्का होगा। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा। एक जकारा भी बोलिए भाई, जकारा शेरावाली दा। सो डटे रहो मेरा वीर, असीं भी तुहाडे नाल हैं। असीं उन्हां कलाकारां चों है नहीं जिहड़े आपदा अपनी औकात ते विरसा भुल जाण। जद तक साह है जद तक डटांगे और इस हक लई लड़ांगे उहदे लई चाहो सानूं होर अटकणा पवे गाउण लई या प्रोग्राम लाउण लई रोक दांगे सारा कुछ, क्योंकि साडा पहला किता किसानी है ते ना असीं भुल्ले हैं ते ना भुल्लांगे। ना कदे बनौटी सी ते ना बणांगे, जो अंदर है उही बाहर है, जित यकीनी है। क्योंकि अज सत्ताधारी पार्टी के एक बहुत बड़े मंत्री ने बयान दिता है कि गौर करनी पवेगी
लोग राज लोगों का ही राज चलूगा। सो ये आप जित वल वध रहे हैं, बस शांति नहीं छड़नी, कोशिश ये करनी है अगों भविख च कि जे साडा अंदोलन लंबा हुंदा है तो आने वाली गर्मी तो असी किवें बचना है, तो साढ़े को पानी का की इंतजाम है, इन चीज़ों भी असी सारे रल के बचारांगे। तो बहुत ही गल्लां ना करिए, डटे रहो, उत्थे ही खड़ांगे जिथे तुसी खड़ा होंगे, पिछे नहीं हटांगे। फिल्मी है ही नहीं, असी असी हकीकत चें जो है। सारे नूं सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। किसान मजदूर एकता गाना ऐसा कि अभी मुझे उस तरह का सुनाना पड़ेगा कि मेरे दोनों भाई आए हुए हैं। अरे जट जाट में फर्क ना कोई, दोनों भाई भाई, अरे दोनों भाइयों ने मिलके दिल्ली की चीख गड़ाई, अरे जट जाट है भाई भाई। किसान हो गए एक चीज काम तो सा कितना खेती है। अच्छा किसानों बारे बोल रहे, जय जवान जय किसान। सो नहीं हम आप कले कले हो नहीं देना, हम असं कट्ठे ही रखने हैं। साडा धर्म किसानी है, साडा जिहड़ी नस्ल है, कोई जट है, कोई जाट है, कोई राजपूत है, असल च साडा पिछोकड़ इको है। दूजी गल थोड़ी जान कर ले होर दस दवा कि ये जिहड़े पिंडां वाले लोग है, ये जिहड़ा राज करन दा जिहड़ा तरीका है, ते जिहड़े बिफोर क्राइस्ट राज शुरू करे सी, इहदा पिंडां वाले नहीं ये राज बनाए सी, बट जिहड़े इहनां नूं प्रीच करन वाले सी, हौली हौली साडे ते इन्नी हावी हो गए कि साडे मत्थे ते नीमा मरदा ते अपने मत्थे ते खुदा लिख लिया। सो मैनूं लगदा हुण वक्त आ गया कि साडे लोग जागरूक हो गए, हुण सत्ता साडे किसानां मजदूरां दे हिसाब नाल भविख चलूगी। मैं दुआ करदा कि साडे जिहड़े लीडर है ये कोशिश कर भविख च, ये कुर्सी बहुत ही दूर नहीं, ये मालिक ही असी हैं। सत श्री अकाल सारों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, राम राम। हाँ जी की सुन मारे हुए हाँ जिंदगी तो बहुत लचा रहा, दूर हाँ तेरे चरणा दी जय अड़के तलवार हाँ, पढ़न ची असी निकम्मे सोनिए, पढ़न ची असी निकम्मे सोनिए, वैसे हुण हार हाँ, बाकी गल्लां बाद च कमली पहला सरदार हाँ, बाकी गल्लां बाद च सोनी पहला सरदार हाँ, बाकी गल्लां बाद च सोनी अरे भाई खड़ जाना, क्या हो गया? ठीक है मर ऐसे जल्दी है, मैं आज सारा तो शाम के 6 बजे तक खड़ा ही लगा के कुछ कर रही है। है जी पूरा 300 जी करता है, कोई कोई आ सारे हम के छोटे जा हाजिर हो जाएंगे, बट अपन ने जेडी नौजवानों को बेली है कि एक तो अपन डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, अपन रल के रहना सारे ने, और किसी को मौका नहीं देना। जे कुछ गाह करता तो उन्होंने फुल देना, जे कोई साढ़े डाक मारता तो असं उन्होंने लंगर छकाना है, ये फिर असी पानी है ताकि सारे भी इन्ना बेशर्म हो जाए और इन्ना बेहयाई च गिर जाए, वो डुब के मर जाए कि मैं ही की कर रहे हैं, ये तो भोजन छका रहे हैं, मैं इन्हें लंगर मार रहे हैं। सो वाहेगुरु मेहर के और ये जरा पूरा कुंबा बैठा है और इन्हें सदिया अपने जड़िया साड़िया दुनिया से वो मिटा दियाँ। अज ये हाल है कि यूपी एक दूसरे के जो केस जीते से वो वापस लैन लग गए, ऐसे तरह पंजाब च हो रहा, इस तो बड़ा लोकराज लोक निर्माण हो नहीं सकता।